डॉक्टर, ये सर्वे बैठक चुनाव की ऑर्डर मान सकते हैं? नहीं, ऐसा है कि ये तो निर्णय जिस स्तर पर होना है उसी स्तर पर होना है। आज का दिन केवल वैक्सीनेशन को समर्पित है। लगता है कि जो रजिस्टर्ड पार्टी थे उनको बुलाया गया। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज योग दिवस भी है 21 जून, और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की घोषणा और उनके आह्वान पर आज वैक्सीन्स फॉर ऑल फ्री फॉर ऑल कार्यक्रम देश भर में प्रारंभ किया जा रहा है। तो जहाँ तक इस संवाद का संबंध है, हमें ये महसूस हुआ कि कटरा वैष्णो देवी एक तीर्थ स्थान भी है और इससे बेहतर और कोई पवित्र धरती नहीं जहाँ इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया जा सके। आप जैसे जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जिस प्रकार कोविड का मुकाबला करने में भारत सफल रहा है, इसका उदाहरण आज देश भर में ही नहीं बल्कि विदेश में भी दिया जाता है। कुछ बातें हैं जो हमारे ध्यान से निकल जाती हैं, यदि आंकड़ों सहित लोगों के आगे रखी जाए तो उन्हें समझ में आएगी। जिस दिन प्रधानमंत्री ने टीकाकरण अभियान की घोषणा की थी तो पहले ही दिन 6,000 भारतवासियों को वैक्सीन लगा था, और 6 करोड़ वो आंकड़ा है जो बहुत से यूरोप के देशों की कुल जनसंख्या से भी अधिक है। आज लगभग 27-28 करोड़ भारतवासियों को वैक्सीन मिल चुका है, और बहुत से देशों की तुलना में ये न केवल संख्या में अधिक है बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि फास्टेस्ट पेस वैक्सीनेशन ड्राइव इन दी वर्ल्ड। इतनी तेज़ी से कहीं भी वैक्सीनेशन नहीं चल रहा। जो लोग प्रतिशत देखते हैं वो ये भूल जाते हैं कि 130-135 करोड़ का हीट्रोजिनस देश है। अगर हम कुल संख्या देखें वैक्सीन की, जहाँ तक जम्मू कश्मीर का ताल्लुक है, 45+ केस, 75% से अधिक लोगों को वैक्सीन मिल चुका है, लगभग 70%, और जून माह के ख़त्म होते होते यानी अगले 10-12 दिन के अंदर 100% 45+ को टीकाकरण हो चुका होगा, और 18+ या 18-45, चूँकि वो उसका प्रारंभ थोड़ा बाद में हुआ था, जुलाई मास के हमने कल ही शाम को आंकड़ा लगाया, 15 तारीख तक लगभग 30-35% लोगों को वैक्सीन मिल चुका होगा, और जुलाई के अंत तक 50%। प्रधानमंत्री का ये आह्वान भी है, निर्देश भी है, और मुझे विश्वास है हम उस पर पूरा उतरेंगे कि ये वर्ष समाप्त होते तक सारे देश में 100% टीकाकरण हमारा हो जाएगा। और ये जो फ्री फॉर ऑल या वैक्सीन फॉर ऑल, ये अपने में एक अद्भुत कार्यक्रम जो प्रधानमंत्री जी की संवेदनशीलता, उनकी दूरदृष्टि और विजन का नतीजा है, ये भी अपने आप में विश्व का एक सबसे अनोखा कार्यक्रम है। और हमें ये भी लोगों को समझाना है कि हमारा जो वैज्ञानिक आंकड़ा है, प्रमाण है, एविडेंस है, साइंटिफिक, वो भी इस बात को दर्शाती है कि वैक्सीनेशन लगवाना इसलिए भी अनिवार्य है कि यदि उसके बाद पूर्णतः कोविड से आपको सुरक्षा ना भी प्राप्त हो, लेकिन अगर कहीं ना कहीं किसी कारण हो भी जाए तो ऑक्सीजन लगने की संभावना भी 8-10% से अधिक नहीं रहती, और मॉर्टेलिटी की संभावना भी कहीं और ज़्यादा कम हो जाती है, तो माइल्ड सिम्टम से भी आप उसमें से निकल सकते हैं। लेकिन साथ ही साथ ये भी बताया जाए कि टीकाकरण के बाद भी ये जो हमें गाइडलाइंस दी गई हैं, ये जो फिज़िकल डिस्टेंसिंग की, जो इस प्रकार के परहेज़ की, जो भीड़ भाड़ ना करने की, वो जारी रहे, और वो जारी अगर रहेंगी तो जैसा अंदेशा लगाया जा रहा है हम थर्ड वेव से भी अपने आप को बचा सकेंगे। जहाँ तक रियासी ज़िले का संबंध है, रियासी में भी लगभग 75-80% तक टीकाकरण की मुहिम मुकम्मल हो चुकी है। यहाँ पर भी मुझे विश्वास है 45+ जून के अंत तक 100% हो जाएगा। ऑक्सीजन प्लांट भी जारी है, माता की यात्रा भी चल रही है, उसके बावजूद भी यहाँ पर कोविड पर नियंत्रण पा लिया गया है, जिसके लिए प्रशासन तो बधाई का पात्र ही है, साथ में समाज की ओर से, हमारे DDC की ओर से, DDC चेयरमैन हमारे साथ बैठे हैं, इनकी ओर से और समाज के प्रतिनिधियों की ओर से जिस प्रकार का सहयोग मिला है वो इसमें उसकी प्रमुख भूमिका रही। और पिछली वेव से जो हमें अनुभव मिला था उसके अनुभव के चलते जो हमने और अधिक सतर्कता बरती है उसका भी एक नतीजा। मुझे इतना ही कहना है कि सभी पार्टियों को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। ऐसा है कि समय समय पर प्रशासन
क्योंकि कोविड का एक अनुभव सबके लिए नया था, प्रशासन के लिए भी नया है, तो जो जो भी उनको चिंता उनके सामने लाई जाती है उसके लिए वो कोई ना कोई निवारण निकालते हैं। अब ये बात आई है तो हम ये बात भी रखेंगे प्रशासन के आगे, और इसका जो भी अगर कोई समाधान हो सकता है अनुकूल फीजिबल वो करने का प्रयास उनको। लगाने में कोई दिक्कत ना हो आगे चल के, वैक्सीन लगाना तो ठीक बात